सशकाल आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड और मैं हूं सिमरन हंस। तो स्वागत है आपका बीच ऑन बुलेटिन में। बीच ऑन बुलेटिन में हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स से जुड़ी हॉट एंड हॉट अपडेट्स, कंट्रोवर्सीज एंड गॉसिप्स के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप अपडेट्स पर। अगले साल ईद के मौके पर नहीं रिलीज होगी सलमान की इंशाअल्लाह। बॉलीवुड ने पीवी सिंधु के गोल्ड जीतने पर दी बधाई। बिग बॉस सीजन 13 का टीजर आया सामने। जानवी कपूर सोशल मीडिया पर हुई जमकर ट्रॉल। प्रभास ने कपल के शो में बताया साहो का मतलब। संजय लीला भंसाली की इंशा अल्लाह ने रिलीज से पहले ही कमाए 190 करोड़। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की बात करें तो वो फिलहाल बिजी हैं अपने अपकमिंग फिल्म यानी दबंग 3 की शूटिंग्स में। दबंग 3 में उनके साथ एज ऑलवेज नजर आने वाली हैं दबंग गर्ल यानी सोनाक्षी सिन्हा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा दिसंबर में इस साल। अगर हम बात करें सलमान खान की तो सलमान खान की फिल्म इंशा अल्लाह भी आने वाली है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सलमान खान की फिल्म ईद 2020 को रिलीज हो जाएगी, लेकिन रिसेंटली सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि ईद पर यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, उनका कहना है कि इंशाअल्लाह शायद ईद पर रिलीज ना हो, लेकिन वो अपने फैंस को तोहफा जरूर देंगे। यानी हम सलमान खान की कोई और फिल्म देख सकते हैं ईद 2020 के मौके पर। वेल, फिलहाल इंशाअल्लाह कब रिलीज होने वाली है इस बात की जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन हम बात करें इंशाअल्लाह फिल्म की तो इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ नजर आने वाले हैं दबंग खान और साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं संजय लीला भंसाली। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट है बिकॉज आलिया भट्ट और सलमान खान पहली बार एक दूसरे के अपोजिट नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो अब देखना ये होगा कि ईद पर रिलीज ना होकर इंशाअल्लाह कब रिलीज होती है। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु ने रिसेंटली ये प्रूव कर दिया है कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है। जी हाँ, पीवी सिंधु ने रिसेंटली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी इस खुशी की तो इस मौके पर पूरे देश ने जहां बधाई दी है वहां हमारे बी टाउन के सेलेब्स ने भी उनको बधाई दी है। तो देखते हैं एक एक करके सबके ट्वीट्स और देखते हैं किस किस ने बधाई दी है पीवी सिंधु को। राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और अगर हम बात करें पीवी सिंधु की तो 2017 और 2018 में वो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन सिल्वर से ही उनको गुजारा करना पड़ा था। लेकिन इस बार पीवी सिंधु ने बिल्कुल हार नहीं मानी और गोल्ड लेकर आई हैं अपने देश के लिए। पीवी सिंधु को जहां पूरा देश इस मौके पर शुभकामनाएं दे रहा है, वहां हमारी ओर से भी पीवी सिंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। रियलिटी शोज की बात करें तो आजकल काफी पसंद करते हैं ऑडियंस रियलिटी शोज को देखना। वहीं अगर हम बात करें इनकी TRP की तो रियलिटी शोज की TRP काफी हाई रहती है कंपेरेटिव टू सोप ओपेराज। वहीं अगर हम बात करें बिग बॉस जैसे रियलिटी शो की तो जब बिग बॉस का नाम आता है तो ऑडियंस में क्रेज और एक्साइटमेंट लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस शो की तो इस शो को एज ऑलवेज सलमान खान होस्ट करने वाले हैं, यानी कि सीजन 13 में भी हमें सलमान खान नजर आएंगे शो को होस्ट करते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें सीजन 13 की तो इस बार काफी सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। वहीं रिसेंटली बिग बॉस सीजन 13 का टीजर भी हमारे सामने आ चुका है जिसको कलर्स की टीम ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टीजर की तो इस टीजर में हमें सलमान खान ट्रेन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं इस शो में आने वाले ट्विस्ट के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टीजर को देखकर ऑडियंस में एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है और कमेंट्स में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें लिखा गया कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम वेट कर रहे हैं। वेल, फिलहाल इस टीजर में ये बताया नहीं गया है कि शो कब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस शो के स्टार्ट होने के लिए
एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ा दी है इस टीजर ने। अब देखना ये होगा कि इस बार बिग बॉस सीजन 13 को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का, और कितने ट्विस्ट आते हैं, कौन से सितारे आते हैं, क्या क्या करते हैं बिग बॉस के हाउस में। सोशल मीडिया पर ट्रॉल होना काफ़ी आम बात है। जी हाँ, चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई नेता, सोशल मीडिया पर ट्रॉलिंग होना इनके लिए काफ़ी आम बात रहती है। जितनी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, उतना ही ट्रॉल होना आम बात रहती है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के लिए। वहीं अगर हम बात करें सोशल मीडिया यूज़र्स की, तो सोशल मीडिया यूज़र्स भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करने का। वहीं अगर कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो फिर वो ट्रॉल कर ही देते हैं। वहीं रिसेंटली ऐसा हुआ है बॉलीवुड एक्ट्रेस और श्रीदेवी की बेटी यानी जाह्नवी कपूर के साथ। वेल, जाह्नवी कपूर इस बार अपनी किसी फिल्म की वजह से या फिर ड्रेस की वजह से ट्रॉल नहीं हुई है, बल्कि इस बार इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। वहीं उनकी ट्रॉल होने के पीछे की वजह की बात करें तो रिसेंटली जाह्नवी कपूर एक बुक लॉन्च पर पहुंची थी। इस बुक लॉन्च के इवेंट के दौरान जाह्नवी कपूर ने कुछ फोटोज क्लिक करवाई, जिसके दौरान उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जिस बुक लॉन्च पर वो पहुंची है उसी बुक को पकड़कर वो फोटो क्लिक करवा रही हैं, जो कि उन्होंने उल्टी पकड़ी हुई है। इसी इवेंट की फोटोज जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसके बाद ट्रॉलर्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया। वेल, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात पर जाह्नवी कपूर को बुरी तरह से ट्रॉल किया है। आप देख सकते हैं ट्रॉलर्स के कमेंट्स। बाहुबली यानी प्रभास की बात करें तो प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी साहो को लेकर क्रेज बरकरार है ऑडियंस में। वेल, 30 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। श्रद्धा कपूर और प्रभास स्टारर इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। इसी फिल्म के प्रमोशंस के लिए प्रभास पहुंचे द कपिल शर्मा शो में। वहीं अगर हम इस शो की बात करें तो इस शो में कपिल शर्मा के साथ उन्होंने काफी मस्ती की, काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए। इसी के साथ साथ उन्होंने साहो का मतलब भी बताया ऑडियंस को। वेल, साहो का मतलब काफी लोगों को नहीं पता था, जिसके बाद काफी सारे लोग जो है वो शॉक्ड रह गए। वेल, साहो का मतलब उन्होंने बताया है कि संस्कृत में जैसे हम जय हो कहते हैं। वहीं इस मीनिंग को जानने के बाद अर्चना भी हैरान रह गई, बिकॉज उनको भी शायद इसका मतलब अभी तक नहीं पता था। वेल, कपिल ने ये सवाल पूछा और प्रभास ने इस बात का जवाब दिया, जिसके बाद काफी सारे लोगों को साहो का मतलब पता चला, यानी इनडायरेक्टली थैंक्स बनता है कपिल शर्मा को। इसके अलावा अगर हम बात करें साहो की, तो साहो 30 अगस्त को रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। रिसेंटली इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यानी अरुण जेटली की डेथ हो गई, जिस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने दुख जाहिर किया। वेल, काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर ट्विटर के ज़रिए अपनी अपनी बात को रखा और अपने अपने तरीके से इस बात का दुख जाहिर किया। वहीं बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी राखी सावंत ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, जेटली जी जो हमारे बीजेपी नेता हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने तो 1 हफ्ते पहले नहीं, 10 दिन पहले कह दिया था। मुझे कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं, मुझे पता चल जाता है, पता नहीं ये ईश्वरीय ताकत है। थैंक्स टू गॉड कि मुझे ईश्वरीय ताकत है। मुझे बस यही कहना है लोगों को कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और उन्होंने, जेटली जी ने अपनी पोटली में से अच्छे अच्छे बजट बनाए हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको याद रखेगा। और दुनिया में ना कुछ लाए थे जो ले जाएंगे दोस्तों, इसीलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो ना बुरा करो, जितना हो सके लोगों का अच्छा करो। आप कुछ भी नहीं लाए जो ले जाएंगे, इसीलिए देश का अच्छा सोचो, पड़ोसी का अच्छा सोचो, अपने परिवार का अच्छा सोचो दोस्तों। अपने सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, जिंदगी एक ही बार मिलती। सलमान खान की बात करें तो सलमान खान की फिल्म्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहती है उनके फैंस में। वहीं अगर हम बात करें सलमान खान की अपकमिंग फिल्म इंशा अल्लाह की, तो रिसेंटली सलमान खान ने अपने ट्विटर पर यह बताया था कि इंशा अल्लाह अगले साल ईद के मौके पर नहीं रिलीज होगी। वेल, इंशा अल्लाह की फाइनल रिलीज डेट भी अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले ही इंशा अल्लाह की झोली में पड़ गए हैं 190 करोड़ रुपए। जी हाँ, थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो करीब
160 करोड़ के इस मूवी के थिएट्रिकल राइट्स बिके हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के पैसे डालकर करीब 190 करोड़ की रकम आ चुकी है इंशा अल्लाह मूवी के हिस्से। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की खास बातों की, तो आलिया भट्ट और सलमान खान पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें संजय लीला भंसाली और सलमान खान की जोड़ी की, तो करीब 2 डेकेड्स के बाद ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। तो देखते हैं इस बार इंशाअल्लाह के जरिए ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाती है। और अगर हम बात करें सलमान खान के वर्क फ्रंट की, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सलमान खान की जो दबंग 3 है वो दिसंबर में रिलीज हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद इंशाअल्लाह कब रिलीज होती है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की बात करें, तो आज के टाइम पर अनुपम खेर काफ़ी बड़ा नाम है। और साथ ही साथ उनकी वाइफ किरण खेर की बात करें, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी बॉलीवुड की हिट मूवीज़ में काम किया है। वेल, दोनों का बॉलीवुड करियर काफ़ी लंबा है। और अगर हम बात करें बॉलीवुड करियर लंबा होने के साथ साथ, तो दोनों का साथ भी काफ़ी लंबा है। जी हाँ, रिसेंटली अनुपम खेर ने फोटो शेयर किया है उनकी शादी का, और साथ ही साथ अपनी 34th मैरिज एनिवर्सरी विश की है किरण खेर को। उनकी मैरिज को 34 ईयर्स हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोनों के करियर की, तो बॉलीवुड में आज काफी बड़ा नाम है दोनों का। वेल, हमारी तरफ से भी दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अगर हम बात करें फैंस की, तो सोशल मीडिया पर इनके फैंस ने भी कमेंट्स में इनको बेस्ट विशेस दी हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही मैं यानी सिमरन हंस आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे बीट ऑन बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।